पांच बार लेना है ये वाला ऐसे करके, ऐसे करके फिर इसमें कर लेना है, ऐसे करना है, इसमें घुसा के ऐसे करना है, इसी तरह इसमें घुसेते घुसेते कम से कम एक लाइन पूरा बुन लेना है। उसके बाद इसमें ये लो पूरा हो गया, उसके बाद इसमें घुसाना है, इसमें घुसा के एक एक घर बीन लेना है के बाद एक एक मोती को लेना है, इसे मोती इसको ये लो छोड़ देना है, फिर इसको इधर से घुसाना है क्रॉस को, इसको ऐसे लेके ऐसे निकाल देना है, निकाल के फिर ऐसे बिन देना है, यहाँ पर छह घर बिनना है, तीन चार पाँच छह, छह घर हो गया। फिर एक मोती लेना है, इसको इसे छोड़ देना है, फिर ऐसे लेना है, ऐसे निकाल लेना है, फिर यहाँ पर छह घर बुनना है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया, एक लाइन पूरा हो गया। अब इसके बाद अब इधर से अभी दो मोती घुसाना है, एक धागा छोड़ दिए, यहाँ घुसाएं एक एक करके घुसाएंगे, थोड़ा ये मेहनत वाला है लेकिन बहुत सुंदर दिखेगा, लगेगा पूजा पाठ करने जाइएगा, लगेगा कि हाँ कोई अच्छा फैशन वाला डिजाइनिंग वाला थाली क्रोस है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार बना के तो देखिए, बना के करके देखिए, दो ठूस आए, उसके बाद यहाँ बीचों बीच दे देना है इसमें, फिर छह घर बिनना है, एक दो तीन चार, मोती को पहले सुई से घुसा लेना है, एक पैकेट मोती लगता है, मिल जाता है दुकती में, दुकान में 20-25 रुपये में मिल जाएगा, फिर एक यहाँ घुसाएं, फिर छोड़ दिए, छह घर बिने, उसके बाद फिर छोड़ देना है, फिर ऐसे करके एक एक करके मोती को घुसाना है, घुस गया। अब ऐसे करके फिर यहाँ फिर छह घर बिन देना है, इस तरह दिखेगा दो लाइन में इस तरह। उसके बाद फिर
एक मोती इधर करो और फिर इधर धागा छोड़ दो। पतला ऊन से बनेगा, पतला ऊन अच्छा लगता है देखने में। जो कलर दीजिए बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ एक लिए मोती, इसके बाद यहाँ बीचों बीच इसमें बीच में दो फन दो घर बिनना है, एक दो, इसके बाद फिर एक मोती। हो गया, यहाँ दो दो घर बिने, फिर मोती लिए तो फिर यहाँ पर आके छह घर बिनना है। इसी तरह करके पूरा 3 4 5 6 6 का बिन लिए, उसके बाद फिर खोल के फिर एक मोती डालना है। फिर मोती डाल के फिर यहाँ पर दो घर बिनना है, एक दो, फिर यहाँ लेके फिर एक मोती ले लेना है। यहाँ एक मोती लेके फिर यहाँ पर छह घर बिनना है, यहाँ बीचों बीच बिनना है, छः यहाँ छः छः जाएगा, ये छः 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 करके लेते जाना इसी तरह, यहाँ पर छः घर बिनना है। छः छः करके इस तरह करके बिनते जाना है, यहाँ ऐसे जाएगा, हिला ऐसे रहेगा, ऐसे करके इसी तरह इला हो गया, एक लाइन कंप्लीट। उसके बाद फिर यहाँ यहाँ ही लाइन में छः घर छः घर छः घर छः घर छः घर छः घर बिन के जाना है और छः ही लाइन रहेगा, छः ठो फूल बनता है। अब यहाँ फिर मत डालें, अबरी यहाँ दो 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 घर डाले थे, अबरी यहाँ तीन तीन घर बिनना है हमको। एक मोती घुसा लिए, एक यहाँ बिनना, मोती के साइड में बिनना है। एक यहाँ बीच में, दो यहाँ पर, तीन फिर मोती डालना है। फिर यहाँ बिनना है छह घर, एक दो तीन चार पाँच छः मोती लेना, मतलब जय बारी थी कीजिएगा, मोती तो लेना ही पड़ेगा। नहीं एक दो तीन पूरा लाइन बिनना है। अब यहाँ से फिर ये लाइन पूरा हो गया, इसके बाद यहाँ बिनना सात घर लेना है, यहाँ पर सात घर बिनना है इसी में, दो फिर यहाँ बिनना है, एक फिर यहाँ बिनना है, दो घर फिर यहाँ बिनना है,
दो घर, यहाँ बिनना है, यहाँ यहाँ मोती लेना है, ईला पूरने के बाद उसके बाद यहाँ लेना, फिर यहाँ दो घर, फिर एक, फिर दो, फिर दो, सात घर हो गया, यहाँ सात घर लेना है, फिर यहाँ मोती घुसाना है, यहाँ मोती घुसाने, यहाँ सात घर बीन के बाद उसके बाद मोती घुसाना है, फिर यहाँ छः घर बिनना है, यही तरह इसी तरह यहाँ सात घर बिनना है, फिर यहाँ छः, फिर सात, फिर छः, फिर सात, इस तरह करके पूरा लाइन पूरा करना है। यहाँ पर लिए पूरा एक बार, उसके बाद एक एक बार लिए, छः छः घर यहाँ लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः छः, उसके बाद एक लाइन पूरा बिन लेना है, उसके बाद एक एक मोती यहाँ बैठाना है, फिर छः घर लेंगे बाद दो दो मोती, उसके बाद तीसरा लाइन में होगा कि यहाँ दो मोती करके उसके बाद यहाँ छः घर, फिर यहाँ एक मोती, फिर दो घर, फिर छः घर, इसी तरह करते करते फिर तीसरा लाइन में तीन, यहाँ तीन तीन घर लेना है, उसके बाद चौथा लाइन में यहाँ एक के बाद सात घर यहाँ लेना है, सात घर बिनने के बाद फिर अब इस बार लेना है यही एक मोती, यहाँ छः घर बिने, फिर एक मोती यहाँ घुसाएँ, उसके बाद यहाँ किनारे मोती के किनारे यहाँ पर बिनना है दो घर, एक दो, दो हो गया, उसके बाद छोड़ दीजिए घर, उसके बाद यहाँ दो मोती करके एक एक मोती करके धीरे धीरे घुसाना है, हो गया मोती घुसाने में, फिर यहाँ पर एक किनारे में, इसका किनारे में मोती के किनारे में दो घर बिनना है, एक दो, फिर यहाँ मोती घुसाना है, मोती घुसाना, फिर छः घर, फिर यहाँ मोती, फिर दो घर, फिर यहाँ मोती, फिर छः घर, इस तरह करके ये लाइन पूरा करना है, या यहाँ यहाँ दो घर बिन, दो मोती लिए, फिर एक, फिर दो घर बिनने के बाद फिर एक मोती, फिर छः घर, फिर एक मोती, फिर दो घर बिने, उसके बाद फिर मोती लेके फिर दो बिन देना है, यहाँ दो मोती, यहाँ दो मोती घुसाएं, फिर एक, छः मोती, फिर एक मोती, फिर दो घर गिए, फिर दो मोती, फिर एक, दो घर बिने, फिर एक मोती, उसके बाद फिर छा पर छः बिनना है, छः घर बिनना इसमें, एक दो तीन चार छ, फिर मोती डालना है, आ गया छ, छ बीन लिए, ये लाइन पूरा हो गया, पूरा होने के बाद यहाँ एक मोती डालेंगे, उसके बाद फिर यहाँ हम दो घर बिनेंगे, दो, फिर एक, और फिर एक, यहाँ हम चार बिन लिए, उसके बाद फिर एक मोती फिर यहाँ डालेंगे, यहाँ डालें, उसके बाद फिर यहाँ बिनेंगे, एक एक, फिर यहाँ दो, चार घर कुल मिला के यहाँ चार घर बिनना है, यहाँ एक दिए, फिर यहाँ चार घर, फिर एक मोती, फिर चार घर, फिर यहाँ एक मोती, उसके बाद फिर छः घर, उसके बाद एक मोती डाल लिए, फिर यहाँ छः घर बिनना है, दो तीन चार पाँच छः, छः घर बिन लिए, उसके बाद फिर एक मोती फिर डालेंगे, इसी तरह करके यहाँ हो गया दो, इसी तरह करके पूरा लाइन बिनना है, अभी ला एक करके पूरा पूरा हो गया,
सब में अब इसके बाद दो दो करना है, अब यहाँ यहाँ दो फिर यहाँ दो करना है, इसके बाद धीरे 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 करके पूरा बढ़ते जाना है। यहाँ 6 बिने फिर मोती दिए फिर यहाँ दो घर, उसके बाद फिर बढ़ाना है। दो बिन लिए, इसके बाद फिर दो मोती डालना है। बिनने के बाद पूरे लाइन में मोती नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ यहाँ डालना है दो दो ठो, और पूरा एक लाइन पूरा सिर्फ धागा से बिनना है पूरा एक। इस तरह करके पूरा एक लाइन धागा से पूरा बुनना है। एक मोती यहाँ सिर्फ डालेंगे, सिर्फ यहाँ एक मोती डालना है, और फिर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57,
तीन चार पाँच छः, उसका फिर एक मोती डालना है। इसी तरह करके सिर्फ यहाँ और यहाँ डालना है मोती, बाकी पूरा धागा से बिनना है। हेलो, अब ये पूरा बिन लिए, एक लाइन पूरा सीधा सीधा बिन देना है घर में। उसके बाद खाली सिर्फ यहाँ मोती, यहाँ मोती, यहाँ मोती, यहाँ इसमें डालना है छः घर, फिर एक मोती, फिर पूरा प्लेन बिनना है, फिर छः घर एक मोती, फिर प्लेन बिनना, इस तरह करके हो गया। उसके बाद आप यहाँ दो ठो यहाँ एक मोती डालें, फिर दो घर बिने, उसके बाद फिर अब दो मोती डालेंगे इसमें। अब यहाँ दो दो मोती घुसाएं, उसके बाद यहाँ लेना है दो दो घर बिनना है, एक दो, दो घर घुसा लिए, उसके बाद फिर दो मोती डालना है। यहाँ दो मोती डालें, फिर दो घर बिनेंगे, फिर दो मोती डालेंगे। यहाँ ये छः घर बिने, फिर एक मोती डालें, फिर दो दो मोती देंगे, फिर दो घर डालें, फिर दो मोती देंगे, फिर दो घर डालेंगे, फिर उसके बाद एक मोती, उसके बाद छः घर बिनेंगे, फिर एक मोती। इसी तरह करके पूरा लाइन कंप्लीट करना है। दूसरा लाइन पूरा कर दिए, उसके बाद तीसरा लाइन फिर एक करके हमको ये पूरा करना है। उसके बाद फिर एक एक लाइन खाली खाली करके डालना जाना है। उसके बाद जैसे हम बनाए यहाँ पर एक, यहाँ पर दो बनाए, उसके बाद अब इस बार बोलेंगे एक दो तीन, यहाँ बनेगा, उसके बाद फिर बनेगा एक दो तीन चार। इसी तरह करके हम पूरा यहाँ तक बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक जितना हमको आगे बढ़ाना होगा, जितना हम बड़ा बनाएंगे उतना आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर हम बढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे करके हमको घटाना है, घटे इसी को ऐसे करके घटेते जाना, जिस तरह आप आकार बनाइएगा उस तरह करके हमको पूरा मतलब फूल को बनाना है। उसके बाद देखिए जिस तरह हम यहाँ बढ़ाएं, तीन चार पाँच छः, छः बना लिए, उसके बाद फिर यहाँ से हमको घटेते जाना है। छः के बाद फिर करेंगे पाँच चार तीन दो एक, एक के बाद इस तरह करते धीरे धीरे करके इसको यहाँ पर हमको सटा देना है। सटा देने के बाद इसके बाद फिर लरी दे देंगे, उसके बाद हम झालर इसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद इतना सुंदर लगता है। दीदी बहन सब बुल्लू में उस तरह करके दिखता है, और कथा में लीजिएगा तो इस तरह करके दिखेगा। जो आपको कलर पसंद लगेगा उस तरह कलर करके आप लीजिए और बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। चाहे जितना बड़ा बनाइएगा, बनाते जाइए, अच्छा लगेगा। थैंक यू। देखिए दीदी बहन सब इस तरह करके कंप्लीट इस तरह करके एक थाली परोस पूरा बन जाता है। चाहे जो भी कलर डालिए, इसमें सफ़ेद मोती रहता है, इस तरह का मोती लगेगा, एक पैकेट का मोती रहता है, मिल जाता है बहुत सस्ता में, 30-35 रुपए मिल जाता है, और अच्छा बन के कंप्लीट हो जाता है इसका। चाहे जो कलर का धागा से बिनिए आप, बहुत अच्छा दिखेगा। और यदि आपको ये वाला थाली परोस पसंद लगा होगा तो आप प्लीज़ प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा।